जो मैंने पहले बात की, क्या ये पॉसिबल है कि एक गांव के अंदर एक घर का और दूसरे घर के फासला 1 किलोमीटर का है, हर घर के पास गार्ड लगाएंगे, हर घर के पास सिक्योरिटी फोर्स के आदमी भेजेंगे? लगाते हैं, कभी पांव पीछे करते हैं। आज फिर बयान आ गया है कि हम देख रहे हैं लोगों को पूछ के लगाएंगे। आप क्यों लगाते हो? छोड़ो आप इसको, आपका काम है यहाँ नॉर्मलसी क्रिएट करना, ये ब्यूरोक्रेट्स का काम नहीं है। यहाँ से जो बाहर के ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनको बेचारे को क्या पता प्राणी मंडी किस गली में क्या है, उनको क्या पता किस गांव के पास क्या हो रहा है। आज सराइयों के अंदर या उन गाँवों के अंदर बॉर्डर के अंदर लोग रात को कैसे सो रहे हैं इनको क्या पता, ये तो बैठे हुए बेचारे दफ्तरों के अंदर। इसलिए हम डोगरा सदर सभा की तरफ से ये चिंता करते हुए कि ये जो गैप गवर्नमेंट और लोगों के बीच बन गया है, इसी की वजह है कि आप गलत फैसले कर रहे हो, फिर पीछे पांव पीछे कर रहे हो। लोग आज थोड़े डर गए हैं और लोगों के अंदर एक थरथराहट है, ग्रास रूट तक लोग घबराए हुए हैं कि पता नहीं ये कैसे, ऐसे तो ज़िया उल हक भी फैसला नहीं करते थे कि कैसे फैसले कर रहे हैं। इसलिए ये मैं अपील करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से और हमारे LG साहब से कि मेहरबानी करें, ऐसे फैसले रोक दो, ऐसे ऑर्डर इम्पोज करना छोड़ दो जिससे एक अफरा तफरी का माहौल बन जाए, लोगों तक पहुँचो। और नंबरदार चौकीदार आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, चौकीदार को पता है कि इसके पेट में दर्द हुई है गाँव के अंदर, रात को कौन चिल्ला रहा था उसको पता है, और वो खबर नहीं देगा आपको, किससे खबर लोगे? अब हमारी फौजें, हमारी आर्मी, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हर गांव के अंदर उनको खबर नहीं पहुंच, वो जाता है कोई एक सोल्जर जाता है पूरा गांव चतों बटेर खड़े हो जाते हैं, वो कैसे खबर देंगे? ये आस्था से देखते हैं नंबरदार चौकीदार कि आज किसी का चेहरा चेहरे था, इसका मतलब कोई है आसपास, तो वो आगे खबर देते हैं, हालांकि बेचारे कई मार गए। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से खराब करने की कोशिश ना करो। धन्यवाद।